नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। मैं हूं आपके साथ सिमरन। तेजस्वी यादव के यात्रा पर किशोर को पलटवार, हिम्मत है तो किसी एक को विधानसभा में पैदल चलकर दिखाए। जी हाँ, बात करेंगे आज इसी विषय पर। तो देखिए, बिहार में 65% आरक्षण को लेकर सियासी हलचल जोर शोर पर है। इसी बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने 10 सितंबर से आभार यात्रा पर जाने की घोषणा की है, जिस पर प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव में अगर दम हो तो किसी विधानसभा में पैदल चलकर दिखा दे। ये यात्रा पर क्या निकलेंगे, 25 गाड़ियां आगे, 25 गाड़ियां पीछे, एसी बस में बैठकर खाने के 2-4 फोटो जारी करेंगे, बमुरेठा बनेंगे, 4 लोगों के साथ गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। ये लोग लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं। कहते हैं 10 लाख लगेंगे, नौकरी दे देंगे, महा नतीजा कुमार खड़े होंगे और 22 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। आप बताइए, वैसे देख ले, तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा पर क्या निकलेंगे, 25 गाड़ी आगे, 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 को फोटो जारी करेंगे, 2 को मुरेठा बांधेंगे, 4 को लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं। ये लोग कहता है 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, नीतीश कुमार खड़ा हुआ गांधी मैदान में, आदमी कहता है कि हम 20 लाख नौकरी दे देंगे। ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 75 वर्ष में जितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी मिली हुई है, टोटल संख्या है 23 लाख। 23 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाले नेता कह रहे हैं कि हम 10 लाख एक साल में दे देंगे। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक हर आदमी की काउंटिंग कीजिएगा तो सिर्फ 23 लाख लोग, 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। और कहता है हम सरकारी नौकरी देके बिहार को सुधार देंगे। अगर मान भी लिया जाए कि दे देगा, तो 98% आदमी को तो नौकरी से कोई लेना ही देना नहीं, ना है ना होगा, तो उसकी यात्रा को क्या देखें। भाई तेजस्वी यादव की क्या पहचान है, तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उस पर टिप्पणी करें। तेजस्वी यादव की पहचान ये है, वो लालू यादव के लड़के हैं, लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं। आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान का मालिक बन जाएगा, कम उसके लिए उसको कुछ परिश्रम तो करना नहीं है। लेकिन दुकान से लोग सामान खरीदने आए तब ना आपको कुछ उसकी क्षमता विद्वता देखी जाएगी। तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर हैं और वो लीडर इसलिए हैं कि वो लालू यादव के लड़के, इतनी उनकी पहचान है। इसके आगे की पहचान उनको बनानी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, करके कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी तक कैसा कुछ दिखा दे ना, विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है तो छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप दादी हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं। परिस्थिति बस आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं वो बच्चा 10वां नहीं पास किया, ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूँ, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए, क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेगा। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद, इतना हल्का मत कीजिए।
बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। ना जिसको भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, ना शब्दों का समझ है, जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहाँ भगवान को आकर ज्ञान मिला है। बुद्ध महावीर जहाँ पैदा हुए वहां पर अनपढ़ और लंपटों को हम लोगों ने नेता मानकर और अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहे हैं, और ऐसा मान लिया है कि समाज में कोई पढ़ा लिखा बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार एक इंजीनियर हो गया तो लोग बता रहा है कि इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। अरे भाई, बिहार के हर गांव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। जरूरत है कि उन बच्चों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका दिया जाए। इनका कोई बपौती है, यही रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये आंकड़ा आप लोग याद रखिए। बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 75 वर्ष में जितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली हुई है, टोटल संख्या 23 लाख है। मात्र 23 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, और ये बेवकूफ बनाने वाले बोलते हैं कि एक साल में 10 लाख नौकरी दे देंगे, यानी 1.97% लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। बोलते हैं सब कि सरकारी नौकरी देकर बिहार को सुधार देंगे, 98% लोगों को नौकरी कहां से मिलेगी। तो वैसे यात्रा का क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव की क्या पहचान है, तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है कि उस पर टिप्पणी करें। इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए ऐसा ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।